एक चिड़िया ने एक खेत में फसल के बीचों बीच पेड़ पर घोंसला बनाकर अंडे दिए, जिनसे समय आने पर उन अंडों में से दो बच्चे निकले। अब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगने रोज जंगल जाती। इस बीच उसके बच्चे खेत में अकेले पड़ जाते थे। चिड़िया लौटती तो बच्चे बहुत खुश होते, उसका लाया दाना खाते। एक दिन चिड़िया ने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने बताया, आज खेत का मालिक आया था। वह कह रहा था कि फसल पक चुकी है, कल बेटे से खेत की कटाई के लिए कहेगा, इस तरह तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे, बच्चे ने एक साथ कहा। चिड़िया बोली, फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। अगले दिन सच में कुछ ऐसा ही हुआ और बच्चे बेफिक्र हो गए। एक हफ्ते बाद चिड़िया के बच्चे फिर डरे हुए मिले। बच्चों ने कहा, किसान आज फिर आया था, कह रहा था कल नौकर को खेत काटने को कहेगा। इस बात पर भी चिड़िया ने बच्चों से कहा, कुछ नहीं होगा, डरो मत। अगले हफ्ते बच्चों ने बताया कि किसान आज फिर आया था और वो कह रहा था कि फसल की कटाई में बहुत देर हो गई है, कल वह खुद ही काटेगा। यह सुनकर चिड़िया ने बच्चों से बोली, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं, कल खेत जरूर कट जाएगा, और वह बच्चों को तुरंत वहां से सुरक्षित स्थान पर ले गई। इस पर हैरान होकर बच्चों ने पूछा, माँ तुमने यह कैसे जाना कि इस बार खेत सचमुच कटेगा? चिड़िया बोली, बच्चों जब तक इंसान किसी के काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसके संपन्न होने में समय लगता है, लेकिन जब वह उस काम को खुद से करने की ठान लेता है तो उसे जरूर पूरा करता है। किसान ने जब खुद फसल काटने की सोची तभी तय हुआ कि अब खेत जरूर कट जाएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि हम अपनी सफलता की संभावना को 100% रखना चाहते हैं तो उस काम की जिम्मेदारी भी स्वयं ही लेनी होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।